बात आ गया कि आपको बहुत आमद मुबारक हो। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबको पता होगा कि आज यकम शबान हो गई है और आज इतनी बड़ी हस्ती की विलादत है, वो है मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, पाक बीबी फातिमा की बेटी। आज इतना ख़ास दिन है और इतना ख़ास महीना चढ़ गया है, तो हम अपनी मोहब्बत अपनी चाहत किस तरह से दिखा सकते हैं? या तो फिर पाक बीबी की हम जिक्र से और या नोहा होनी से, कसीदे पढ़ने से, या फिर उनके दुश्मनों और उनके कातिलों पर लानत भेजने से। तो ये मेरा मानना है कि हमारा वसीला अहले बैत के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने इस्लाम बचाया है। इमाम हुसैन की भी कुर्बानी की जो सारी हकीकत है वो बीबी ज़ैनब ने ही घर घर जाके, जिनको हम मजालिस कहते हैं, वो और उनके भाई के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उन्होंने घर घर जाके इस तरह से वाकया करबला सुनाया था, और फिर ये मजालिस उन्हीं की रवायत से चलती आ रही हैं। ये जिक्र ता जिंदगी कयामत तक चलता रहेगा और इनके सदके से, इनके वसीले से हमको, हमारी पूरे ख़ानदान को सब कुछ मिला है इनके वसीले से। हम और कहीं से नहीं मांगते, हमारा पीर सिर्फ अली है और अली अलैहिस्सलाम है, बस 11 इमाम 11 बेटे हैं, ये नसलदार नसल मौला के बेटे हैं, बीबी पाक फातिमा के बेटे हैं सारे ही इमाम। और जो जिंदा और हाजिर नाजिर हमारे ख़ानदान में या हमारे शिया कौम में, हमारा ईमान है कि हमारे 12वें इमाम जिंदा हैं और हमारी हर दुआ कबूल करवाते हैं और हमारी सारी बातें सुनते हैं, हम उन्हीं को अपना वसीला बनाते हैं, पंचतन पाक 12 इमाम 14 मासूम जी। तो इसी का आगाज़ मैं कर रही हूँ, दुआए शूरा तो मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ, और अब जो है मैं थोड़ी सी आपको उर्दू में सुनाऊँगी, और इंशाल्लाह कल का मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, तो बाकी वीडियो वगैरह इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कल रिकॉर्ड करके सारी एडिटिंग करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम हो आप पर ए अबा अब्दुल्ला, ये नाम है इमाम हुसैन का, ठीक है, लकब उनके एक अब्दुल्ला बेटे थे और उस ज़माने में बेटे के नाम के साथ पुकारा जाता था बाप को, इमाम हुसैन के बेटे का नाम है। सलाम हो आप पर ए रसूल खुदा के फर्जंद, सलाम हो आप पर ए अमीर मोमिनीन के फर्जंद और ओसिया के सरदार के फर्जंद, सलाम हो आप पर ए फर्जंद फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम अली मोहम्मद, जो जहानों की औरतों की सरदार हैं, सलाम हो आप पर ए कुर्बान खुदा और कुर्बान खुदा के फर्जंद और वो खून जिसका बदला लिया जाना है, सलाम हो आप पर और उन रूहों पर जो आपके आस्थान में मदफून है, आप सब पर मेरी तरफ से खुदा का सलाम हमेशा जब तक मैं बाकी हूँ और रात दिन बाकी है। ए अबाबिल्ला, आपका सोग बहुत भारी और बहुत बड़ा है और आपकी मुसीबत बहुत बड़ी है हमारे लिए और तमाम अहले इस्लाम के लिए, और बहुत बड़ी और भारी है आपकी मुसीबत आसमानों में तमाम आसमान वालों के लिए, बस खुदा की लानत उस गर्वों पर जिसने बुनियाद डाले से गिराया जो खुदा ने उस मुकाम में आपको दिया, खुदा की लानत उस गर्वों पर जिसने आपको कत्ल किया और खुदा की लानत उन पर जिन्होंने, मैं बरी हूँ खुदा के और आपके सामने उनसे उनके परवरदिगारों उनकी पैरोकारों और उनके दोस्तों से, ए अबाबिल्ला मेरी सिलह है आपसे सिलह करने वाले से और मेरी जंग है आपसे जंग करने वाले से रोज क़यामत तक, और खुदा की लानत करे औलाद ज़ियाद और औलाद मरवान पर, खुदा इजहार बेजारी करे नबी उमैया से पर है हर सूरत में, खुदा लानत करे इब्ने मरजाना पर, खुदा लानत करे और खुदा लानत करे शिमर पर, और खुदा लानत करे जिन्होंने ज़ीन कसी और लगाम दी घोड़ों को और लोगों को ललकारा आपसे लड़ने के लिए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, यकीनन आपकी हाथ में मेरा गम बढ़ गया है, बस सवाल करती हूँ खुदा से जिसने आपको शान अदा की और आपके जरिए मुझे इज्जत दी ये कि वो मुझे आपके हूँ अगला लेने का मौका दे, उन इमाम मंसूर की हमराही में जो होंगे अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से, ऐ महबूब मुझको अपने हाँ आबरूमंद बना सा हुसैन अलैहिस्सलाम की दुनिया और आखिरत में, ए अबाबिल्ला बेशक मैं कुर्ब चाहती हूँ खुदा के उसके रसूल का और अमीर मोमिनीन का आपके खिलाफ जंग बर्पा करने वालों से बेजारी के जरिए और उनके तरफदारों और पैरोकारों से बेजारी के जरिए, मेरी सुलह है आपसे सुलह करने वाले से और मेरी जंग है आपसे जंग करने वाले से, मैं आपके दोस्तों का दोस्त और आपके दुश्मन का दुश्मन हूँ, बस सवाल करती हूँ खुदा उस खुदा से जिसने इज्जत दी आपकी पहचान और आपके दोस्तों की पहचान के जरिए और मुझे आपके दुश्मनों से बेजारी की तौफीक दी, हम्द है खुदा के लिए जिसने मुझे आज़ादारी नसीब की, ए महबूब हशर में आने वाले दिन मुझे हुसैन की शफात से महरमंद फरमा और मेरे कदम को सीधा और पक्का बना जब मैं तेरे पास आऊँ हुसैन के साथ और इसहाब हुसैन के साथ जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Thank you.
आपको भी खैर मुबारक। कल कल जाएंगे आप? कल जाएंगे ना। किरण बाजी, गोपी बाजी साहब आ रही। ये तो आपको आवाज आ रही होगी, यहाँ पर हम खाना बनाते टाइम कसीदे लगाते हैं और मैं भी अपने किचन में, यहाँ पर हमारा किचन है, यहाँ पर मैं पहले सारी दुआएं शुरा वगैरह लगाती हूँ और कसीदे उसके बाद फिर। ठीक है, तो यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं रेडी हो रही हूँ कहाँ जाने के लिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, और फिलहाल मैं कपड़े प्रेस करते हुए आपको अपनी डिजाइनिंग दिखाना चाहती हूँ। ये थी स्वीटोन की शॉल, बहुत ही आला स्टफ की। एक तो नॉर्मल स्टफ आया था ना, लेकिन मैंने थोड़ा सा अच्छा वाला स्टफ ले इस तरह से डिजाइनिंग के साथ सिलवाया था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दो साइडों पे शॉल्स के इस तरह से बने होते डिजाइन, एक बाजू पे और एक इस तरफ, और जो साइड्स हैं वो सारी मैंने राइटिंग वगैरह इधर लगवाई थी। बैग में मैंने पानी की बोतल मंगवा के रखी है और ओपन बैग जो होते हैं वो रखे हैं, किनाज में पड़ी है टी शर्ट, और अब मैं निकलने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही खास जो है दो स्टाफ हैं, एक तो जब पहले मैं गई थी तो मैंने ये वाला स्टाफ एक तो वहाँ पर मस्त किया था, ये भी मैं एक्स्ट्रा पहनती रहती किसी हाथ से, और ये जो है बिल्कुल इस बार मैं गई थी तो ऊपर एक गिरा था ये, और साथ में एक वर्क मिला था मुझे एक पेंसिल, और ये मैंने अपने लिए उसी टाइम रख लिया। मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी होगा, मैंने उस जरी के ऊपर इमाम हुसैन की जरी के पास ये पकड़ा हुआ है, और ये मैं आज साथ में ले जाना चाहती हूँ ताकि मैं वहाँ से भी इसको मस कर लूँ, और साथ में जो मैं हाँ तस्बीह है वो पकड़ूँगी। ये है पेंसिल जो मुझे वहाँ से मिली थी, और ये वाली रिंग है जो मैं आहत के लिए भी लेकर आई थी और नियत करके अपने बच्चे की भी लेकर आई हूँ, ये वाली रिंग मैंने यहाँ पर ही रखी है। जी आंटी जी, मुझे ये बताएं आप कि मैं आग बीबी दामन जा रही हूँ तो वहाँ पे मैं कौन सी पढ़ाई करूँ? बेटा दुरुशरी बीबी पाक को जो है ना एक तस्बीह हदिया करें। अच्छा जी। और जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया का सदका मांगे उनसे जी, तो इंशाल्लाह वो बाबुल अवाइज की बहन है और बाबुल मुराद की बेटी है, तो इंशाल्लाह आपको अता करेंगी बीबी पाक को। ठीक है, यानी वसीला बनाए जनाब रुकैया बिन्त अली अलैहिस्सलाम को, बारगाह जनाब ज़ैनब आलिया ये है वो पाक तस्बीह जो अभी जो आंटी ने मुझे बताई है कि ये आपने तस्बीह करनी है, तो मैंने ये भी निकाल ली है। जी तो मेरे YouTube मेंबर्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब मैं इंतजार कर रही हूँ अपनी दोस्त का, वो कौन है और वहाँ और कौन कौन आ रहा है आपको बाद में दिखाऊंगी, और मैं जा कहाँ रही हूँ आपको ये वहाँ जाके पता चलेगा। बाय बाय। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम जा रहे हैं, सबसे पहले तो बीबी पाक की बीबी पाक आ गया थी, आपको बहुत आमद मुबारक हो। हम बस सामान चढ़ गई तो बीबी पाक के दरबार पर जा रहे हैं अपने सिस्टर्स के साथ, फैमिली की इंशाल्लाह मेरी बहन आपको और बड़ा कुछ दिखाएंगी रास्ते। अस्सलाम वालेकुम जी, अब हम निकलते हैं। लड़ लड़ के अबू को हजार हजार रुपया लेता है थले चादर बिछाई ने अपने गेट जी अदू किधर है?
हम पहुंच गए। चले आप आ जाए, मैं आपका इंतजार करना। ठीक है ठीक है चले जी। दिखाए जरा चादर, दिखाए प्यारी सी ग्रीन ले। एक चादर करनी और फूल दे दे, फूल दे दे। आलम कितने का दे रहे हैं? छोटा रेड वाला कौन सा? मैंने घर लेकर जाना है ना। हाँ जी दरबार से मस्त कर लेंगे। चलो ठीक है, दो हार कर दें और पैसे बता दें। हाँ जी जी यहाँ पे एक छोटी गली थी माशाल्लाह से। ये देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माशाल्लाह से ये देख रहे गुंबद, माशाल्लाह माशाल्लाह पानी के नाम आपके। बस बस काफी है। माशाल्लाह जी यहाँ से एंट्रेंस एंट्रेंस और यहाँ से ये माशाल्लाह माशाल्लाह रखना।
वाली जगह ना जो दाता दरबार लिखा हुआ था इधर। क्या क्या दुआ करो बेटे गए पे चल दे भाई थोड़ा सा रास्ता देंगे थोड़ा सा भाई थोड़ा सा रास्ते देंगे प्लीज मेहरबानी पत्ते जिम दें लाद बस नहीं Thank you.
थोड़े से फूल बचा लेना अंकल जी, ये चादर चढ़ा दे। अच्छा बेटा, आ जा, आ जा, हाँ जी, रास्ता देना। पढ़ा रहे इधर अंकल जी, ये सारा किसने बनवाया? माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा, बहुत ही प्यारा बनाया। पाक बीबी फातिमा का भी इसी तरह से। नारे हैदरी जय। I'm gonna make it.